आज मैं आपको गोभी का परौंठा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। हमने सबसे पहले गोभी काट लेनी है छोटी छोटी, उसमें हरी मिर्च और प्याज काट के मिक्स कर देना है। उसके बाद हमने उसमें मसाला डाल देना है सारे, और दो पेड़े छोटे छोटे पेड़े करने हैं, दो पेड़े छोटे छोटे करके उसको रोटी टाइप छोटी सी रोटी बनानी है। एक एक करके दोनों को अलग अलग छोटी छोटी रोटी बना कर छोटे छोटे उसमें हमने दो रोटी बन जाएगी। उसमें हमने जैसे एक छोटी छोटी रोटी बन रही है, और उसमें हमने एक दूसरी बनानी है, इसको रख देनी है छोटी छोटी बनानी, दूसरी और बनानी है। इसके साथ ही पेड़ा कर लिया है, और उसको भी ऐसे ही उस जैसे पहली बनाई है ऐसे ही छोटी रोटी और बना लेनी है। ये बन गई हमारी रोटी। इसमें हमने थोड़ा सा शुरू से थोड़ा सा हमने घी लगा देना है। इसके एक रोटी पर हमने थोड़ा सा घी लगा कर, और उसमें हमने जो हमने गोभी का मिक्स बनाया था, प्याज हरी मिर्च और गोभी का छोटा छोटा काट के मिक्स किया था, चाकू के साथ छोटा छोटा काट लेना है। प्याज काट लेना है, हरी मिर्च काट लेनी है, हरा धनिया काट लेना है, और नमक मिर्च मसाला सारा कुछ उसमें मिक्स कर लेना है। स्वाद मुताबिक नमक मिर्च काली मिर्च और अजवाइन, जो इसमें अच्छा टेस्ट बनता है, अजवाइन डालकर और उसको अच्छी तरह से एक रोटी पर सारा कुछ डाल देना है। और जो हमने उसके साथ छोटी एक और रोटी बनाई थी छोटी सी, उसको उसके ऊपर लगा देना है, अच्छी तरह से दबा देना है। दबा कर उसके ऊपर थोड़ा सा हमने उसको मिक्स कर देना अच्छी तरह, दोनों रोटी को जोड़ देना है अच्छी तरह दबा करके, और उसके ऊपर थोड़ा सा हमने ऊपर से बेलने के साथ ऊपर धूड़ा डालना है, थोड़ा आटा डालना है, ताकि अच्छी तरह से रोटी बन जाए और चकले के साथ ना लगे। और ऐसे हमने अच्छी तरह से उसको रोटी को बना लेना है, पतली करना है, मोटी नहीं रखना, पतली करके जितनी पतली हो सकती है अच्छी तरह से बेल के उसको हमने तवे पर थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा देसी घी डालकर, ताकि तवे में रोटी चिपके ना। ये घी है, उसको हमने लगा देना है तवे पर थोड़ा सा लगा कर, और उसके ऊपर हमने आप गोभी वाला जो हमने परौंठा बनाया है वो डाल देना है आराम से। और उसको हमने फिर जब थोड़ा सा पक जाएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने पक रहा है अब जो परौंठा है वो पक रहा है, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा घी लगा देना है, चमचे के साथ थोड़ा सा घी लगा देना है, ताकि परौंठे में अच्छी तरह से खुशबू आए और अच्छी तरह से बन जाए, स्वादिष्ट परौंठा बन जाता है। उसको फिर चेंज करना है, और परौंठा हमारा ये बन गया है। इसके ऊपर हमने देसी मक्खन लगाना है, मक्खन लगाना है, और अच्छी तरह से उसको तैयार हो गया हमारा परौंठा, मक्खन लग गया है। और उसके साथ थोड़ा सा दही लगाओ, कौली में दही डालो, मक्खन डालो, और परौंठा खाओ, खाने में बहुत ही स्वाद लगेगा और मज़े लगाओ। थैंक यू, ओके। हैप्पी दिवाली।